पवन दिन, और मैं निवेदन करूंगा श्री पीयूष जी को कि इसका लाइव ब्रॉडकास्टिंग भी शुरू कर दें। अत्यंत पवन दिन, अश्विनी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा और राष्ट्रीय एकता दिवस है, अत्यंत महत्वपूर्ण सभी देशवासियों के लिए, देशवासियों के देश के प्रति एकत्व अखंडत्व के भाव के लिए, और नेशनल यूनिटी डे ऑन दिस 31 अक्टूबर, ऑन द वेरी ऑस्पिशियस डे ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वेरी ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल एंड लौह पुरुष ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, एंड दिस ऑनलाइन नेशनल प्रोग्राम विच इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय भारतीय इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च jointly with Indian Council of Historical Research, New Delhi together, and as well as hundreds and hundreds of all our scholars around our academic fraternity all over the country and even abroad also for this National Unity Day, who are together here with our Google Meet as well as our on YouTube broadcasting channel. So to begin this program, I start this with this सरस्वती वंदना। क्या कीजिए, प्रेजेंट कर रहे हैं सर। या कुंतेंदु शुरू कीजिए सिशन जी। जी रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप बोल दीजिए, हम ही वंदना करेंगे। आप आ गए। माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर आरसी सिन्हा साहब, जिनका इसने प्रेम मार्गदर्शन देने पर सदैव एक अनुग्रह के रूप में प्राप्त अनुसंधान परिषद के माननीय अध्यक्ष, जो स्वयं हमारे प्रत्येक कार्यक्रम में सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए समस्त कार्यक्रमों को तिलांजलि देते हुए हमेशा हमें आशीर्वाद देते हैं, ऐसा ही आज वह उपस्थित है। मैं उनके प्रति नतमस्तक हूं, नमन करता हूं। पुनः एक बार सभी उपस्थित अध्येताओं और जो इस कार्यक्रम में संलग्न है ऐसे सभी दार्शनिक इतिहासकार सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। समय को दृष्टिगत रखते हुए मैं सीधा सुशीम जी से आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि माननीय हिमांशु चतुर्वेदी जी आज शायद भारत के सर्वाधिक व्यस्तम व्यक्तियों में से हैं, क्योंकि उनका वल्लभ भाई पटेल पर एक बहुत विस्तृत ज्ञान है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं और समग्र राष्ट्र ही। तो इस अनुक्रम में मैं आग्रह करूंगा सुशीम जी से कि क्योंकि प्रोफेसर चतुर्वेदी जी को अभी मेरे ख्याल से 12 बजे ही दूसरे कार्यक्रम में रहना है, तो बिल्कुल बगैर विलंब के राजेश जी संक्षेप में अपना विषय रखेंगे, उसके बाद भाई हिमांशु जी का हमें पाथे प्राप्त होगा। ओवर टू डॉक्टर सुशीम जी, प्लीज कंटिन्यू द प्रोग्राम। डॉक्टर सुशीम दुबे जी, मेरे ख्याल से धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर कुमार रत्नम जी, माननीय सदस्य सचिव भारतीय दार्शनिक अनुसंधान एवं इतिहास अनुसंधान परिषद द्वय, और कार्यक्रम के अग्रिम चरण में मैं निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर राजेश कुमार जी, जो कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इज अ डायरेक्टर जनरल पब्लिकेशन एंड लाइब्रेरी, हु इज हियर टू फॉर इंट्रोड्यूसिंग द सब्जेक्ट on our very theme, which is philosophy of national unity as well as the Sardar Patel एवं भारतीय रियासतों का एकीकरण। और इस राष्ट्रीय एकता दिवस में मेरा निवेदन है डॉक्टर राजेश जी से, आप आमंत्रित हैं विषय प्रवर्तन के लिए। एक मिनट, सुधीर जी को आपने भेज दिया है लिंक? जी सुधीर सिंह भेज दिया है भी वो सर, जुड़ा हुआ हूँ सर।
धन्यवाद डॉक्टर सुशीम जी। इस आज के एक दिवसीय नेशनल यूनिटी डे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर आर सी सिन्हा जी, हमारे सदस्य सचिव प्रोफेसर कुमार रत्नम साहब, मुख्य वक्ता प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी सर, और स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर टी एस गिरीश जी, डियर ऑडियंस स्कॉलर्स, आप सब लोगों के सामने मुझे सर ने जो बहुत संक्षेप में जो अपना विषय रखने के लिए कहा है, तो इस बारे में मैं जस्ट आप लोगों से ये सबमिट करना चाहता हूं कि आज का एक जो अपना विषय रखा है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं भारतीय रियासतों का एकीकरण है, विषय रखा गया है, जिस पर बहुत विस्तृत रूप से प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी जी अपना व्याख्यान देंगे। लेकिन फिर भी चूंकि सर ने मुझे जब ये कल जिम्मेदारी दी थी तो मैं सर भी जानते हैं और आप लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ गया, वो मुझे अवसर देंगे आप 5 मिनट ऐसा मैं मानता हूं। सरदार पटेल साहब जो है हम सब जानते हैं कि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, अपनी दूरदर्शिता, अपनी कूटनीतिक नीतियों एवं निर्णयों के विषय में जो है बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत पॉपुलर हैं। सरदार पटेल साहब पर काम करने वाले कुछ स्कॉलर्स में वीपी मेनन साहब, प्रोफेसर बी कृष्णा, प्रोफेसर पीएन चोपड़ा, प्रोफेसर पा चोपड़ा इत्यादि काफी स्कॉलर्स ने उनपे काम किया है। इनफैक्ट पीएन चोपड़ा ने उनका जो कलेक्टेड वर्क्स ऑफ सरदार पटेल है वो भी एक्सटेंसिव नेचर का है। अब बात करते हैं भारत के एकीकरण में सरदार पटेल साहब की। सरदार पटेल साहब के साथ इस मुहिम में उनके सहयोगी वीपी मेनन जी और तत्कालीन वायसराय माउंटबेटन की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब भारतीय रियासतों के एकीकरण के विषय में थोड़ा चर्चा करने से पूर्व 1947 में भारत की जो उस वक्त जो स्थिति थी, उस वक्त जो राजनीतिक माहौल था भारत में, उस समय जिस तरह का एक आप ये समझिए कि राजनीतिक माहौल के साथ साथ एक तरह से कॉम्युनल एनवायरनमेंट भी जो बनना शुरू हो गया था, इन सब स्थितियों से निपटने के लिए ब्रिटेन ने जो एक नीति बनाई जिसमें उन्होंने जनवरी 1947 में ये निर्णय लिया कि माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा जाए। तो ऐसी स्थिति में उस वक्त भारत की थोड़ी सी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में जान लेना चाहिए श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के की नीतियों के बारे में जानने से पहले। माउंटबेटन के भारत में आने से पूर्व भारत में जितने भी वायसराय थे उनकी 1940 से लेकर 1945 के दौरान जो नीतियां रही वो उनकी नीतियां अधिकतर ऑपरेशन मड हाउस नाम से जानी जाती थी। उसी फाइल पर जैसे ही माउंटबेटन ने भारत में चार्ज संभाला तो उसी फाइल पर उन्होंने अपनी नई नीति का उद्घोषणा की। उन्होंने अपनी नई नीति को नाम दिया ऑपरेशन शिडक्शन, जिसे वशीकरण की नीति भी कहा गया। और उसी वशीकरण की नीति के तहत माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं के साथ मिलना जुलना, भारतीय नेताओं के यहाँ होने वाली ओपन गार्डन पार्टीज में बिना किसी पूर्व सूचना के एडविना माउंटबेटन के साथ पहुंच जाना, वायसराय हाउस को सभी भारतीयों के लिए खोल देना, और इसके अलावा वायसराय हाउस की किचन में भारतीय नेताओं के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन प्रिपेयर करना, उनको अपनी मर्जी से जब दिल किया तब माउंटबेटन हाउस वायसराय हाउस में आने जाने की अनुमति, इन सब चीजों को देखते हुए एक तरह से ये विचार सामने आने लगे थे कि पहले जब भारत में दो दो गवर्नर जनरल्स या वायसराय पर अटेम्प्ट टू मर्डर हुए थे ऐसी स्थिति, तो इस सब करके चक्कर में जो है सारे के सारे वायसराय गवर्नर जनरल्स जो है वो सिक्योरिटी की चरम सीमा में रहने लगे, थोड़ा सा जो है उन्होंने ओपननेस को दिखाया। लेकिन उस समय जो स्थिति थी उस स्थिति का जायजा भी वो साइमल्टेनियसली ले रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये केवल ऑपरेशन सिडक्शन की नीति के चलने से ही काम नहीं होगा। तो उन्होंने उस समय जो है किसी समय में 1943 से 1945 के दौरान विंस्टन चर्चिल के जो है चीफ ऑफ द स्टाफ रहे लॉर्ड इसमें से मशविरा किया,
और इसमें ने उस समय की भारत की स्थिति के बारे में उनको बताया कि जो है भारत में वर्तमान दशा उस जहाज के जैसी है जिसमें आग की लपटें धू धू कर उठ रही हों और जिसके गर्भ में बारूद भरा हुआ हो, और सारी की सारी लड़ाई इस बात की है कि आग बारूद तक पहुंचेगी या उससे पहले हमें उसे काबू में करना होगा। दूसरे व्यक्ति थे जॉर्ज एबल, जो वो स्वयं भी जो है वो भारत की स्थिति से काफी वाकिफ थे। उनसे भी माउंटबेटन ने मशविरा किया और उनके मशविरे पर भी यही बात सामने आया कि यदि देश को जलने से बचाना है तो आज मात्र एक ही चीज की जरूरत है, वह है स्पीड, गति यानी तीव्रता। एक क्षण भी खोए बिना जो करना है हमें तत्काल करना होगा। और ऐसी स्थिति में वायसराय केवल अपने ICS एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स पर डिपेंड नहीं रह सकते थे, अतः उन्होंने पुलिस अधिकारियों और मिलिट्री चीफ से भी मुलाकातें की, लेकिन वहां से भी कोई ठोस अश्योरेंस स्थिति का ना मिलने के कारण वायसराय ने भारतीय नेताओं से एक एक करके अपने वायसराय हाउस में बैठकें करनी आरंभ कर दी। इन्हीं बैठकों में के दौरान उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारतीय बिस्मार्क कहें, भारतीय लोह पुरुष कहें, उनसे भी मिलने का निर्णय लिया। लेकिन उनसे मिलने का जो निर्णय उन्होंने लिया उससे पहले उनके मन में बहुत उथल पुथल चल रही थी कि उन्होंने बहुत सोचा कि ऐसे माहौल में कि क्या एक ऐसा व्यक्ति जो पक्का राजनीतिक है, जो कांग्रेस पार्टी का संचालन अत्यंत दृढ़ता और कठोरता से करता है, जो अत्यधिक व्यावहारिक और न्याय कुशल है, बहुत परिश्रमी और दूरदृष्टि है, जो अपनी बात पर अटल रहते हैं, क्या ऐसे व्यक्ति को बुला करके मैं अपनी किसी बात पर उनको सहमत करवा पाऊंगा। खैर, इन्हीं सब मीटिंग्स के दौरान जो है वायसराय ने जब सरदार वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात की और उन्होंने उसी दौरान जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को मई 1947 में जब अपना जो 3 जून 1947 का माउंटबेटन प्लान था उसका ड्राफ्ट जब उन लोगों के साथ शेयर किया, तो यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें हम हमारे विद्वान इतिहासकार प्रोफेसर चतुर्वेदी जी प्रकाश डालेंगे, लेकिन यहाँ मैं जस्ट ये इशारा करना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे विषय थे जिन विषयों पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू एकमत नहीं होते थे। और बड़ी ये बहुत एक प्लीजेंट विषय है कि सरदार साहब ने अपनी अनप्लीजेंटनेस को, अपनी असहमति को कभी भी छुपाया नहीं। उन्होंने चाहे वो भारत में समाजवाद के लागू करने की बात हो, चाहे उन्होंने भारत में उसका जो है वो एक 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 जवाहरलाल नेहरू की एक नए समाज की रचना की बात हो, उन सब विषयों पर उन्होंने खुल करके अपनी असहमति जाहिर की। लेकिन जिस विषय को मैं प्रश्न में बता रहा था कि जब लॉर्ड माउंटबेटन ने उनके साथ 3 जून 1947 के माउंटबेटन प्लान का, पार्टीशन प्लान का ड्राफ्ट जब 1947 की मई में जब शेयर किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक ही ओपिनियन था, और उन दोनों का यही ओपिनियन था कि लगभग 200 वर्षों तक भारत में अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति पर काम किया है। लेकिन अब ऐसा लगता था कि मानो जाते जाते अंग्रेज एक नई नीति को जन्म देने की सोच रहे थे। वो नीति थी तोड़ो, बिखेरो, छोड़ो और चले जाओ। इसके ऊपर जब इन दोनों नेताओं के इस प्रकार के मत थे, तो उन्होंने उन मीटिंग्स के सिलसिले के दौरान जब माउंटबेटन भारतीय नेताओं के साथ एक एक करके मिल रहे थे, और जिसमें उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी आमंत्रित किया था, तो पटेल साहब ने उनसे कहा कि पटेल साहब को इनफैक्ट माउंटबेटन का प्रस्ताव था, वो उनका प्रस्ताव इस प्रकार का था कि जो माउंटबेटन प्लान था जिसके कुछ रिजल्ट्स जो बाद में 15 अगस्त 1947 के बाद आए, जैसे कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जो जनसंख्या स्थानांतरण जो जितने बड़े स्तर पर हुआ, जो पूरी दुनिया में शायद 1951 की दैनिक ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में उससे पहले इतने बड़े स्तर पर कोई स्थानांतरण देखा नहीं गया था और सुना नहीं गया था, इस प्रकार के जो रिजल्ट्स होने थे, और भारतीय रियासतों को जो उन एक स्वतंत्रता थी कि वो चाहे तो भारत में विलय करें, चाहे तो पाकिस्तान में विलय करें, चाहे तो इंडिपेंडेंस रहे, इन नीतियों पर निश्चित रूप से सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वीपी मेनन, कोई भी भारतीय नेता उन पर सहमत होने के लिए उत्सुक नहीं था और ना ही वो सहमत हो सकते थे। इसके बावजूद बहुत ही डेयर के साथ माउंटबेटन ने जब वायसराय हाउस में पटेल साहब से मुलाकात की, तो उन्होंने उनको कहा कि देखिए, कुछ समय के लिए
मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भारत की 565 जो रियासतें हैं, जो राजा हैं, जो नवाब हैं, जो शहजादे हैं, जो अपने अपने राज्यों पर निरंकुश शासन चलाते हैं, और जो भारत के लगभग एक तिहाई भूखंड और एक चौथाई आबादी पर राज करते हैं, उनसे निपटने की चुनौती बहुत गंभीर है। लेकिन आपको जो है मेरी इस बात में इस प्रकार से सहयोग करना होगा कि कुछ समय तक सरदार साहब से उन्होंने निवेदन किया कि कुछ समय तक देसी राजाओं से उनकी पदवियां ना छीनी जाएं और उनके महल ज्यों के त्यों उन्हीं के पास बने रहें, उन्हें गिरफ्तारी से मुक्त रखा जाए, प्रीविपर्स की सुविधा जारी रहे। और इसके साथ ही वायसराय ने पटेल साहब से यह भी वायदा किया कि वो उन राजाओं को राजी करने का प्रयास करेंगे कि वो अपना भारतीय संघ में विलय करें। सरदार पटेल ने माउंटबेटन साहब के सारे प्रस्ताव को मानने से पहले एक और शर्त उनके सामने रख दी। उन्होंने ये कहा कि इसके इस सारी प्रोसेस में ऐसा नहीं है कि आप इक्के दुक्के रजवाड़ों से काम नहीं चलेगा, सारे के सारे रजवाड़ों को आपको मेरे झोले में डालना होगा, तभी मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता हूं। यानी उन्होंने फिर से लिखा कि पुनः उन्होंने दोहराया कि पेड़ के सभी फल जो है सभी सेब नीचे गिर जाने चाहिए, ऐसा नहीं है कि 10-20 बीच में ही लटके रह जाएं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की राजनीतिक सूझबूझ एवं कूटनीतिक नीतियों के मेल से तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने वीपी मेनन को अपने वायसराय हाउस में बुलाया और वीपी मेनन के साथ बैठ करके उन्होंने पटेल साहब के सारे प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए वीपी मेनन को यह जिम्मेदारी दी कि भारतीय रियासतों को भारत में विलय के लिए वो अपनी मुहिम तेज कर दें। इस प्रोसेस में वीपी मेनन ने जिन राज्यों से प्रारंभ में जो प्रोसेस शुरू करी उनमें से 2-4 के नाम गिनाना मैं उचित समझता हूं। जैसे मध्य भारत के एक राजा से जब वीपी मेनन ने विलय की मुहिम पर के दौरान कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा तो वो अचानक से लड़खड़ा कर गिर पड़े और दिल के दौरे के कारण चल बसे। इसी प्रकार धौलपुर के राजा ने जो है आंखों में मोटे मोटे आंसू भरकर हस्ताक्षर करते समय कहा कि इंग्लैंड के महामहिम सम्राट के पुरखों के साथ मेरे पूज्य पुरखों के जो संबंध चले आ रहे थे वे आज हमेशा हमेशा के लिए टूट रहे हैं। बड़ौदा के गायकवाड़ हस्ताक्षर करते समय एक बच्चे की तरह से फूट फूट कर रो पड़े और वीपी मेनन की बाहों में निढाल हो गए। पंजाब के 8 महाराजाओं ने एक ही सम्मेलन में भारतीय संघ में विलय की घोषणा की, लेकिन वातावरण में बहुत उदासी थी। अधिकांश राजाओं महाराजाओं जो है वो विलय के पक्ष में नहीं थे। सरदार पटेल के प्रभाव से बचने के लिए उन्होंने विभिन्न संघों की रचना करते जा रहे थे। 15 अगस्त 1947 सरदार पटेल के देशी राज्यों के भारत में विलय करने के प्रयासों में और तीव्रता तथा व्याग्रता आती जा रही थी। कई राज्यों में ऐसा भी हुआ कि जहां प्रजामंडल आंदोलन, जो पहले से ही उत्तरदायी शासन की मांग के लिए प्रजामंडल आंदोलन के तहत लोग आंदोलन की एक उत्तरदायी शासन की मांग कर रहे थे, वहां पे उस प्रजामंडल आंदोलनकारियों ने जो है सरदार पटेल की मुहिम को और आसान बनाया। उन्होंने उन राजाओं पर, वहां के दीवानों पर दबाव बनाना शुरू किया कि आप जो है विलय के समझौतों पर हस्ताक्षर करें, जिसमें त्रावणकोर के राज्य का नाम लिया जा सकता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे राजा भी थे जो पाकिस्तान में विलय करने के अपने विफल प्रयास कर रहे थे, जिनमें जोधपुर और एवं जैसलमेर के राजा थे जो दिल्ली में आकर मोहम्मद अली जिन्ना से एक होटल में मुलाकात की। और सरदार पटेल चूंकि एक बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे और वो जानते थे कि किस प्रकार से ये राजा लोग इस प्रकार की अपनी नीतियों पर, अपनी और अधिक सुख सुविधाओं के नाम पर देश की प्रजा को जो है वो गैर हाथों में सौंप सकते हैं, तो उन्होंने पहले ही वीपी मेनन और अपने खुफिया सूत्रों को इस प्रकार के राजाओं के पीछे जब लगा रखा था, तो इस प्रोसेस के दौरान जब वो जिन्ना से मिले तो उन्होंने जिन्ना को एक प्रस्ताव दिया कि हमारी अधिक आबादी हिंदू होने के बावजूद हम पाकिस्तान में विलय करना चाहते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि हमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। जिन्ना ने अपने टेबल की ड्रॉज से एक प्लेन कागज निकाला और उनके सामने रख दिया कि आप अपनी सभी शर्तें इस पर लिख दें, मुझे सारी शर्तें मंजूर होंगी। उन्होंने अपनी
इन सब चीजों पे सोच विचार करने के लिए थोड़ा समय मांगा। और जब वो होटल में अपने कमरे में चले गए तो जाके देखते हैं कि वहां पे वीपी मेनन पहले से ही उनका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसा कि मैंने अनुरोध किया कि पटेल साहब को खुफिया सूत्रों से ये जानकारी थी कि ये दोनों राजा इस प्रकार की चीजों में शामिल होने वाले हैं, तो वीपी मेनन ने इन दोनों राजाओं से अनुरोध किया कि वायसराय माउंटबेटन और सरदार पटेल आपसे तुरंत वायसराय हाउस पर मिलना चाहते हैं। वो किसी तरह से उनको वहां मना करके ले गए, लेकिन इन दोनों और साथ में उन्होंने उनको ये भी समझाया कि जो है दोनों राजाओं को समझाया कि निजी स्वार्थ अपनी बहुसंख्यक हिंदू प्रजा को पाकिस्तान में घसीटकर ले जाना मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। इस प्रकार के संक्षिप्त कुछ वृतांतों के साथ मैं अपनी बात इस प्रकार से निष्कर्ष की ओर ले जाना चाहता हूं कि इस प्रकार के माहौल में, इस प्रकार की नीतियों के साथ, इस प्रकार के व्यक्तित्वों जिनमें वायसराय माउंटबेटन और वीपी मेनन साहब का साथ सरदार पटेल साहब को था, इस प्रकार के माहौल में इस टीम ने जो है पांच रजवाड़ों को छोड़कर जिनकी बहुसंख्यक आबादी मुसलमान थी, जिन्होंने जिन्हा का साथ दिया था, शेष सब केवल तीन को छोड़कर सरदार पटेल की बहुत बड़ी सूझबूझ से भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार हो गए थे। और वे तीन अपवाद काफी बड़े थे जिनमें हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ का नाम लिया जा सकता है। नमस्कार, मैं आपका समय अपेक्षा करता हूं कि आप सब लोग अपनी जिज्ञासाओं के लिए हमारे प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी जी के विस्तृत व्याख्यान से संतुष्ट होंगे। नमस्कार, जय हिंद। अत्यंत धन्यवाद डॉक्टर राजेश कुमार जी, आप विषय का प्रवर्तन कर रहे थे। आप निदेशक भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, और अविलंब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सभी उत्सुक हैं सुनने के लिए अत्यंत सम्माननीय प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी जी, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर से, और आप सम्माननीय सदस्य हैं भारत सरकार के द्वारा नामित इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च के। इस विशेष वक्तव्य को मैं करना चाहूंगा, सरदार पटेल एवं भारतीय रियासतों का एकीकरण हमारी एकता एवं अखंडता का सूत्र, जिसमें हम बंधे हुए हैं, और आज हम देश को इस विषय में, देश को इस भौगोलिक परिस्थिति में, देश को राजनीतिक परिस्थिति में, और देश को सांस्कृतिक परिस्थिति में एकत्व का अनुभूत करते हैं। इस विषय पर आमंत्रित हैं प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी जी। जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, अच्छे से आ रही है। जी सरदार वल्लभ भाई पटेल के 145वीं आज जन्म तिथि पर ICPR और ICHR जैसी संस्था द्वारा ये सुअवसर प्रदान कराया गया, इसके लिए सर्वप्रथम मैं इन दोनों ही श्रेष्ठ संस्थाओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सभी के अति आदरणीय प्रोफेसर RC सिन्हा साहब, चेयरमैन इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसफिकल रिसर्चेस, मैं नितांत अपने, जिनको मैं आदरणीय भी कहता हूँ, प्रिय भी कहता हूँ, सखा भी कहता हूँ, बंधु भी कहता हूँ, प्रोफेसर कुमार रत्नम साहब, जिनकी कुछ कुछ बातों से लगता है कि कुछ सामंती काल याद आते हैं कि फरमान क्या हुआ करते थे और फरमानों का अनुपालन करना कितना जरूरी हुआ करता था, वैसे ही उनके फरमान आते हैं और उन फरमानों को की अदायगी के लिए मैं सज्ज रहता हूं हमेशा, उनको मेरा सादर प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए आदरणीय प्रोफेसर TS गिरीश जी, भाई सुष्मन जी, और ICHR में मेरे अति प्रिय डॉक्टर राजेश जी, जिन्होंने अभी एक बेहतरीन विषय प्रवर्तन दिया और मुझे भी सोचने के लिए बाध्य किया कि अब कैसे प्रकाश डाला जाए और किस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल पर बातचीत की जाए। बेहतर जब संबोधन हो जाता है आपके बोलने से पहले तो ये चुनौती आकर के खड़ी हो जाती है, और इसके लिए मैं पहले राजेश जी को बहुत सारी बधाई देता हूँ और साधुवाद देता हूँ।
सरदार वल्लभ पटेल के विषय में और देशी रियासतों की समस्याओं के विषय में, इनके इंडियन यूनियन में इंटीग्रेशन के मामले को लेकर के 30 मिनट की अगर 30 घंटे भी बातचीत की जाए तो शायद कम पड़ेगी। इसलिए इसने एक बड़े विषय वस्तु को एक 30 मिनट के विषय समय के अंदर घोलना और उस पर बात करना, ये स्वयं अपने आप में एक बड़ी चुनौती हो जाती है। और सरदार पटेल के बारे में मैं एक उन्हीं के कोट के साथ बातचीत शुरू करूंगा जो शायद एक जो छवि बनी हुई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, बहुत सख्त और बहुत ही ज्यादा एक टफ डिप्लोमैट, आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि वो भारत के लौह पुरुष थे, और उस लौह पुरुष होने की जो विल थी, उस विल के लिए जो कॉस्ट थी, वो दोनों ही उन्होंने अदा भी की और बहुत बेहतरीन तरीके से अदा की। और जिस अखंड देश की आज हम लोग जिसमें सांस ले रहे हैं, जिसके लिए अभी राजेश जी इशारा कर रहे थे माउंटबेटन प्लान की, तो मैं उस माउंटबेटन प्लान के प्लान बालकन पक्ष को ज्यादा मजबूत मानता हूँ कि वो एक भारत के बालकनीकरण की भी चुनौती थी उस माउंटबेटन योजना में। और उसमें उस योजना के समक्ष ये जो 565 रियासतें थीं, इन 565 रियासतों पर बातचीत करने के पहले, जैसा मैंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही एक कोच के द्वारा को मध्य में रखते हुए बातचीत प्रारंभ करना चाहूंगा कि उन्होंने, वे हमेशा कहते थे कि वर्क इज वर्शिप बट लाफ्टर इज लाइफ, एनीवन हु टेक्स लाइफ टू सीरियसली must prepare himself for miserable existence. Anyone who greets joys and sorrows with equal facility can really get the best of life. ये ध्येय एक बड़ा महत्वपूर्ण है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, कि उन जैसे व्यक्तित्व का जब ये कोट देख करके और पढ़ के और समझने की कोशिश करता हूँ, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो तमाम उनके डायमेंशन हैं, उन डायमेंशन पर तो बातचीत करने का बहुत अवसर नहीं मिल पाता, चाहे गुजरात में वुमेन इमेंसिपेशन प्रोग्राम्स हो, चाहे लेबर राइट्स के मामले हो, चाहे एक सेकुलर नेशन के बिल्टअप का मामला हो, जिसको कि अक्सर लोग भूमनाथ से जोड़ करके कोई गलत इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, बिकॉज फॉर हिम सोमनाथ वॉज द सिंबल ऑफ रिसर्जेंस ऑफ इंडिया, क्योंकि इसको कई बार तोड़ा गया था, तो वो भारत के रिसर्जेंस से उसको जोड़ करके देखने का काम करते हैं। इन बातों से आगे बढ़ते हुए अगर प्रिंसली स्टेट्स या देशी रियासतों के बारे में बात की जाए, तो एक कुछ विडंबना ये स्थापित की गई इतिहास लेखन के द्वारा कि कॉलोनियल गवर्नेंस ने बड़ी अच्छी एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी दी, और उस एडमिनिस्ट्रेटिव सुषमन जी कहीं कोई किसी को म्यूट कराइए, डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है। रेडी जी प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को। रेडी जी जी प्लीज, थैंक यू। जो एक ये वैचारिकी बनाई गई कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी भारत में स्थापित हो गई और वो भारत के एकीकरण और उसके यूनिफिकेशन के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर था, तो मैं यहीं से बातचीत शुरू करूं कि भारत की 23% जनसंख्या इन प्रिंसली स्टेट्स एंड देशी राज्यों में रहती थी, और कुल 40% भौगोलिक हिस्से में ये देशी राज्य फैले हुए थे। और 1857 के बाद जैसे जैसे राष्ट्रवादी दबाव या नेशनलिस्ट प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, वैसे वैसे ये देशी राज्य या प्रिंसली स्टेट्स या नेटिव स्टेट्स कॉलोनियल गवर्नमेंट के बड़े सशक्त कोलैबोरेटर्स के रूप में उभर करके सामने आते गए, ऐसा मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। इसके लिए जाना होगा हम लोगों को पार्लियामेंट्री डिबेट्स में, जो 1857 में जब ट्रांसफर ऑफ पावर डिबेट चल रही थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो उसमें ये चीज एक बड़ी खुल के स्वीकार हुई और ये मानी गई कि अगर ये देशी रियासतें 1857 में ब्रिटिश हुकूमत का या ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ ना देती, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश हुकूमत का शासन 1857 में भारत के अंदर समाप्त हो गया होता।
और इसकी एक बड़ी क्लियर आपको या हमको अवधारणा जो देखने के लिए मिलती है, अगर क्वीन विक्टोरियास प्रोक्लेमेशन उठाएं तो उस क्वीन विक्टोरियास प्रोक्लेमेशन में इन देशी रियासतों के संदर्भ में बड़ी स्पष्ट नीति है और वहीं से ये स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेटर के रूप में इमर्ज करके आ रहे हैं। और इनके कोलैबोरेशन का जो आधार है कॉलोनियल गवर्नमेंट के साथ वो पैरामाउंसी के सिद्धांत पर है, जो पैरामाउंसी का सिद्धांत 1813 से 1823 के बीच में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने स्थापित किया था, दैट वी आर द सुप्रीम पावर और जितनी भी नेटिव स्टेट्स हैं वो हमको सर्वश्रेष्ठ मानते हुए ही रहने का काम कर सकती हैं, अगर पैरामाउंसी को डिफाइन करने का काम किया जाए। तो इस पैरामाउंसी के विषय में कैबिनेट मिशन ने बड़ा स्पष्ट कहा कि द डे वी विल लीव इंडिया द दिस सिस्टम ऑफ पैरामाउंसी विल एंड। और इस पैरामाउंसी के समाप्त होने के बाद कैबिनेट मिशन या अन्य जो योजनाएं थी वो बड़ी शांत थी कि नेटिव स्टेट्स चाहे तो यूनियन ऑफ इंडिया ज्वाइन करें, नेटिव स्टेट्स चाहे तो यूनियन ऑफ पाकिस्तान ज्वाइन करें, और नेटिव स्टेट्स चाहें अगर तो वो इंडिपेंडेंट भी रहने का काम कर सकते हैं। सो दिस वॉज अ ह्यूज चैलेंज। ज्यादातर मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को या इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक फ्रीडम स्ट्रगल की कहानी या पटकथा के रूप में लोग लेने का काम कर देते हैं। साउंड आपकी चली गई है सर, प्लीज चेक। प्रोफेसर हिमांशु जी के इंटरनेट कनेक्टिविटी जब तक रिटेन होती है हम उनका अत्यंत धारा प्रवाह और इतिहास के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एकता के विषयों पर उनका व्याख्यान सुन रहे थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल केवल उनका राष्ट्रीय एकता के साथ साथ विशिष्ट साहित्यिक और दार्शनिक व्यक्तित्व भी है, और आपके साहित्य जो कि उपलब्ध हैं सरदार पटेल चुना हुआ पत्र व्यवहार के रूप में है दो खंडों में, सरदार श्री के विशिष्ट और अनोखे पत्र के रूप में अन्य उनका साहित्य है, और भारत विभाजन पर विशेष रूप से आपकी पुस्तक है, और गांधी नेहरू एवं सुभाष, आर्थिक और विदेश नीति, मुसलमान और शरणार्थी, और कश्मीर और हैदराबाद पर आपकी हिंदी में इन विषयों पर पुस्तकें हैं और अंग्रेजी में भी हैं, सरदार पटेल्स करस्पॉन्डेंस 1945-50 एडिटेड बाय दुर्गादास जी, और कलेक्टेड वर्क ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि पीएन चोपड़ा और प्रभा चोपड़ा के द्वारा लाया गया है। और ऐसे अनोखे विद्वत भारत को देश के भौगोलिक एकता को सुदृढ़ करने वाले वल्लभ भाई पटेल जी, जिनको सभी सम्मान से, प्यार से, उनकी कर्तव्य परायणता से, एकता से सरदार के नाम से संबोधित करते थे। आज के इस नेशनल यूनिटी डे में और प्रोफेसर हिमांशु जोशी, हिमांशु चतुर्वेदी जी से इस क्रम में मैं यदि अनुमति हो तो निवेदन करूं अग्रिम वक्ता के लिए। बीच में आज प्रोफेसर चतुर्वेदी जी पुनः है हमारे बीच, सर जारी रखें। हाँ प्लीज, वो कनेक्टिविटी काट गई थी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो जो मैंने कहा कि नए नैरेटिव्स उभर करके सामने शुरू आने शुरू हुए 2013 के बाद से, वो उन नैरेटिव्स ने मेरा ध्यान आकर्षित किया कि हैदराबाद के संदर्भ में और सरदार पटेल के संदर्भ में ये कौन से नए नैरेटिव उठ करके सामने आ रहे हैं। 2013 में इसलिए कहता हूं कि 2013 में एक क्लासिफाइड रिपोर्ट थी जिसको भी सुंदरलाल कमेटी रिपोर्ट कहा जाता है, और ये सुंदरलाल कमेटी रिपोर्ट जो है ऑपरेशन पोलो के बाद एक गुडविल मिशन भेजा गया था हैदराबाद के लिए अंडर सुंदरलाल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहली बात तो ये कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं थी ये ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन पुलिस को लेकर के जो हैदराबाद पर कार्रवाई की गई थी,
और इस सुंदरलाल कमेटी के डीक्लासिफाइड होने के बाद जो मैंने जैसे और मैंने इशारा किया कि एक नए प्रकार का नैरेटिव इमर्ज होना शुरू हुआ। सुंदरलाल जो कमेटी की रिपोर्ट है वो कहती है कि ऑपरेशन पोलो में लगभग 27,000 से लेकर के 40,000 लोग मारे गए जब हैदराबाद का विलय किया गया। और इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो पहला विस्फोट हुआ जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया वो विस्फोट हुआ बीबीसी लंदन से, और बीबीसी लंदन ने अपनी उसकी मैगजीन में भी ये आर्टिकल मौजूद है और उसने एक प्रोग्राम चलाया इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जिसका टाइटल था हैदराबाद 1948 इंडियाज हिडन मैसेकर। इस टाइटल पर ही ध्यान अगर दे दें हम लोग तो समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार की एक नए पटकथा को बनाने का काम शुरू किया गया इन कंटेक्स्ट टू हैदराबाद एंड इट्स असिमिलेशन इन द इंडियन यूनियन। तीन बातें मुझे बड़ी स्पष्ट बनती हुई दिखाई दी जो कि अलार्मिंग थी, जिसने कि मैंने आपसे कहा कि मेरा ध्यान उस आकर्षित किया। पहला कि ऑपरेशन पोलो हैदराबाद की विलय के लिए जो सरदार पटेल का ब्रेन चाइल्ड था, इट वॉज अ वेरी बारबेरियस एक्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद, जिसमें मैंने आपको अभी बीबीसी का कार्यक्रम बताया सितंबर सन 2013 का, ठीक सुंदरलाल कमेटी के रिपोर्ट के खुलने के बाद। दूसरा जो एक नैरेटिव बिल्डअप होता हुआ दिखाई दिया वो ये दिखाई दिया 2013 के बाद खासकर से कि सरदार पटेल हैज नथिंग टू डू मच विद द इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद में तो ऑलरेडी कम्युनिस्ट मूवमेंट चल रहा था और देशमुख को खत्म कर चुके थे वहां पीजेंट्स की मदद से ये कम्युनिस्ट, और इन्हीं कम्युनिस्ट मूवमेंट का फायदा उठाते हुए इनकी कुछ थोड़ी बहुत मदद की गई भारत सरकार के द्वारा और वहां पर रक्कस क्रिएट करके पुलिस को आर्मी को एंटर करा दिया गया जिसमें इतने सारे लोग मारे गए। तीसरी बात जो उभर करके सामने आई, तीसरा नैरेटिव, वो नैरेटिव ये सामने आया कि जो हैदराबाद का मराठवाड़ा का एरिया हुआ करता था उस मराठवाड़ा से लगे हुए शोलापुर से एक सर्टेन कम्युनिटी के लोगों को आर्म्स सप्लाई कर दिए गए, प्रोटेक्शन दे दिया गया और वो साहब हैदराबाद के अंदर घुस गए, उन्होंने वहां पे अव्यवस्था फैलाई, लूटपाट की, जिसने ये बहाना दे दिया कि सरदार पटेल ने वहां पर आर्मी को मूव करा दिया और बड़े बारबेरिक तरीके से हैदराबाद के विलय की कार्रवाई को किया गया। इन चीजों को देखने के साथ साथ एक और आश्चर्यजनक चीज मुझको दिखाई दी 2009 में। मैं ना उन ना उस ऑथर का नाम लूंगा ना मैं उस पुस्तक का नाम लूंगा, बस ये कहूंगा कि एक बड़ी ही रोचक पुस्तक आई जिसको कि वर्क ऑफ द डिकेड का पुरस्कार दिया गया कुछ कॉरपोरेट कॉरपोरेट न्यूज घरानों न्यूज एजेंसी घरानों के द्वारा, जिसमें 19 भारतीयों की सूची शामिल है बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। बट इंसिडेंटली 19 भारतीयों में बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया में सरदार पटेल के नाम का कहीं जिक्र नहीं है। दैट ही हैज नथिंग टू डू विद द बिल्डिंग ऑफ द मॉडर्न इंडिया और ही हैज नथिंग टू डू विद द बिल्डिंग ऑफ दिस नेशन। इन चीजों पर ध्यान आकर्षित करते हुए आई गॉट होल्ड ऑफ एन आर्टिकल जहां से वर्चुअली मेरा ध्यान जाना शुरू हुआ कि ये माजरा क्या है और इसको किस तरीके से देखने की जरूरत है और किस तरीके से समझने और समझाने की जरूरत है। सितंबर 14, 2013 द हिंदू नामक अखबार में एक खबर छपी जिस खबर को लिखने का काम आर्टिकल को लिखने का काम गोलापुदी श्री श्रीनिवासा राव ने किया, और गोलापुदी श्रीनिवासा राव ने ये जो आर्टिकल लिखा उस आर्टिकल का जो टाइटल था वो टाइटल था कि रजाकार्स डोंट से भारत माता की जय। अब भारत माता की जय कोई बोलता है कि नहीं बोलता है दैट इज अ डिफरेंट डिबेट। नाउ आई व्हाट हैज द रजाकार्स टू डू विद द भारत माता की जय एंड व्हाट आर दीज नैरेटिव्स जो बन रहे थे जिन पर मेरा ध्यान जा रहा था। इनको और एक्सप्लोर किया जब और एक्सप्लोर करके जब मैं आगे बढ़ा तो एक इम्पोर्टेंट और आर्टिकल हाथ में आया जिसका कि ये भी इंसिडेंटली हिंदू में ही छपा जिसका टाइटल था रेमिनेंसेस सर्वाइवर्स ऑफ रजाकार्स ब्रूटिलिटी रेमिनेंसेस। सर्वाइवर्स ऑफ रजाकार्स ब्यूटिलिटी एंड रेमिनेंसेस को जब मैंने देखा तो इसमें जो है एक रजाकार्स के बारे में एक डिटेल रिपोर्ट है
कि ये कौन थे और क्या इनकी ड्यूटिलिटीज हो रही थी हैदराबाद के अंदर और किस तरीके से मारकाट ये मचा रहे थे 1947 ऑनवर्ड्स प्रो निजाम पार्टी के रूप में, हाउ निजाम वाज प्लेइंग इन देयर हैंड्स। इसमें इन्होंने ये बताया कि एक विलेज है हैदराबाद में जिसका नाम भैरनपल्ली है, उस भैरनपल्ली के गांव में एक ही दिन में 70 लोगों को इन रजाकारों के द्वारा मारा गया। और यहाँ का इस हत्याकांड में एक सर्वाइवर है जो बच गया जिसका नाम था एन मलिहा, और एन मलिहा जो कि उस समय 90 वर्ष के थे 2014-15 में जब ये खबर छपी 27 अगस्त 1947 की ये घटना है, उसमें उन्होंने बताया कि साहब हमको एक लाइन में खड़ा करके एक गोली चलाई जाती थी जिसमें 5-6 लोग जो है वो समाप्त हो जाएं सिंगल शॉट से, मैं बच गया क्योंकि मेरे कंधे से गोली ब्रश करते हुए निकली है एंड आई एक्टेड दैट आई वाज डेड और मैं सर्वाइव किया। एंड ही गिव एन अकाउंट की वहां क्या ब्यूटिलिटीज चल रही थी हैदराबाद के अंदर, रिजल्टिंग दैट कि एक हिंदू कम्युनिटी का वहां से भारी एग्जोडस देखा जा सकता है। और ये जो रजाकारी का मूवमेंट है ये मूवमेंट निजाम के फेवर में हो रहा था उस समय, और यहाँ ये भी जानना आवश्यक है कि उस समय हैदराबाद एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में था, उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक्ट के ऊपर अपने हस्ताक्षर नहीं किए थे। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में होने के कारण निजाम के ऊपर कुछ प्रतिबद्धताएं थी, लेकिन उन प्रतिबद्धताओं को भी वो मानने का काम नहीं कर रहे थे। मैं थोड़ा इसको तेजी से निकाल रहा हूं बिकॉज ऑफ द पॉसिटिव ऑफ द टाइम, इसलिए मैं थोड़ा माफी चाहूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको मैं कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूं आज की इस बातचीत में। और ये फिर इसको और पीछे समझने के लिए मैं गया कि 1947-48 में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, रजाकार्स की प्रॉब्लम और एक बड़े लेवल पर वहां पर एनार्की और लोगों के साथ लूटपाट, उनको मारा जाना, एक कम्युनल टिंज पूरी तरीके से हैदराबाद के अंदर दिखाई दे रहा है जो डायरेक्ट एक्शन डे में मुस्लिम लीग कर रही थी, लगभग उससे कहीं ज्यादा वायलेंट मूवमेंट ये रजाकार हैदराबाद के अंदर कर रहे थे। तो इसके और जब पीछे गए तो ये दिखाई दिया कि 1927 में यहाँ पर एक प्रो निजाम पार्टी बनी जिस प्रो निजाम पार्टी का नाम था MIM, मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन। और इस MIM जिसको कि जिसका अंग्रेजी में मैंने अर्थ ढूंढा तो इसका अर्थ निकला काउंसिल फॉर द यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स, ये जो दल बना प्रो निजाम पार्टी के रूप में 1944 में इसके एक अध्यक्ष बने जिनका नाम था कासिम राजवी, कहीं कहीं रजवी भी लिखा हुआ मिलता है। और कासिम राजवी साहब ने जब हैदराबाद के इंडियन यूनियन में अमलगमेशन की बातचीत शुरू हुई और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में हैदराबाद गया क्योंकि सबसे पुराना अलाई था वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का, इट वॉज द फर्स्ट स्टेट टू साइन द सब्सिडियरी अलायंस वे बैक इन द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, तो इन्होंने अपना एक वहां अपनी MIM का एक वॉलंटरी कॉर तैयार किया, सशस्त्र दल तैयार किया जिस सशस्त्र दल या जिन वॉलंटियर्स को इन्होंने नाम दिया रजाकार्स का। एंड ये जो रजाकार्स हैं, ये रजाकार्स की जो के द्वारा जो लूटपाट है, जो किलिंग्स हैं, जिस प्रकार का वॉयलेंस है कि एंटी इंडिया रेटोरिक है जो इनकी, उसके एक नहीं बहुत सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं और ये रिकॉर्ड्स नेशनल आर्काइव से लेकर के नेशनल म्यूजियम कलकत्ता तक में मिल जाएंगे, इनको देखने की आवश्यकता है। तो 2013 के बाद का जो जस बिल्टअप की ओर मैंने इशारा किया उसको और ठीक से समझने का काम किया जा सकता है। ये घटनाक्रम, इट्स रजाकारी इज नॉट माय इशू टू डिस्कस इन डिबेट, इट इज रादर मोर कंसंट्रेटेड ऑन सरदार वल्लभ भाई पटेल, और साथ में मैं कह रहा हूँ कि कॉस्ट है और डेक्सटेरिटी है जो पे कर रहे हैं इस हैदराबाद के अमलगमेशन के लिए। इंसिडेंटली देयर इज अ वेरी यंग ऑफिसर अपॉइंटेड इन हैदराबाद हु हैपेंस टू बी वेरी क्लोज टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, मिस्टर नायर। और मिस्टर नायर जो है उनके लिए कहा जाता है कि सरदार पटेल के घर के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहते थे, बहुत ट्रस्टेड थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के। और ये हैदराबाद में मौजूद हैं जो जिन नायर की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अपनी आगे पुस्तक भी लिखी जिसमें बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है, विद इल फीलिंग टुवर्ड्स एनीबॉडी एंड ही सर्व्ड फॉर लॉन्ग आफ्टर 1948 आल्सो, बहुत लंबा इनका करियर है भारत में ब्यूरोक्रेसी में।
वहां से कुछ डोजियर्स लगातार मिल रहे हैं सरदार पटेल को कि व्हाट इज हैदराबाद, व्हाट हैदराबाद इज डूइंग ड्यूरिंग दिस स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट. मैं हरीडली आई विल गो थ्रू दोस द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दोस डोजियर जो सरदार पटेल को खबरें मिल रही हैं. मैंने जिन पहले तीन नैरेटिव्स की बात की जरा उस पर ध्यान रखिएगा और फिर मैं इस डोजियर के ऊपर आइएगा. और उसके पहले रजाकारी को इन ब्रीफ में मैंने आपको बताया कि हैदराबाद में वहां क्या चल रहा है. पहली बात इस डोजियर में ये मिलती है कि हैदराबाद जो कि लैंडलॉक्ड कंट्री है इसलिए वो कराची के पोर्ट पर ओपनिंग चाहता है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से उसकी बातचीत चल रही है. कराची बहुत दूर है हैदराबाद से. नाउ व्हाट इज कराची टू डू विद हैदराबाद, ये एक अलग डिबेटेबल इशू है जिसके बहुत सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था, किस लिए हो रहा था. दूसरी चीज, पाकिस्तान के पास इस समय कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है और उस फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए हैदराबाद के निजाम उनको 20 करोड़ का एक लोन मुहैया कराने की तैयारी में है इन व्यू ऑफ द फैसिलिटीज ऑफ द पोर्ट ऑफ कराची, जो कि वो स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट में नहीं कर सकते हैं. तीसरी चीज जो निकल करके आती है इस डोजियर से, वो निकल करके आती है कि हैदराबाद वॉज मूविंग क्लोजर टू पाकिस्तान एज पर द जहां तक गोपनीय सूचनाएं निकल करके आ रही थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास. और ये चिंता का बहुत बड़ा विषय था कि इन द मिडस्ट ऑफ द इंडियन डोमिनियन, कि भारत के ठीक मध्य में बैठा हुआ अगर एक कोई ऐसा राज्य तैयार हो जाता है जो अपने आप को पाकिस्तान से अलाय करता है या जो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के रूप में क्रिएट कर लेता है, तो वो कितनी बड़ी समस्या या प्रॉब्लम होगी देश के लिए आने वाले दिनों में और उसके इंटीग्रेशन को लेकर के उसका इंटीग्रेशन ना होना किस प्रकार की बड़ी चुनौती बन सकता है. चौथी चीज जो इस जॉर्जियर में है कि वे बैक इन 1940 में देयर इज अ मूवमेंट इन हैदराबाद विच इज वेरी वेल रिकॉर्डेड कि वो हैदराबाद को एक स्वतंत्र ओसामानिस्तान बनाना भी चाहते हैं और उस ओसामानिस्तान का ये नारा है कि हमारी सीमाएं बहुत जल्दी बंगाल की खाड़ी की तरफ खुलेंगी. ये जो पॉइंट्स हैं और साथ में 1947 से 48 के बीच में रजाकार्स के द्वारा जो वाइड स्केल वायलेंस किया जा रहा है हैदराबाद में कम्युनल लाइंस के ऊपर, इन परिस्थितियों में सरदार वल्लभ भाई पटेल व्हाट आई से द विल that he is ready for a stringent action to get Hyderabad amalgamated in India. Now let's shift for a moment to Delhi. कि दिल्ली में क्या हो रहा है? ये तो हैदराबाद की गतिविधियां हो गई. दिल्ली की अगर बातचीत उठाई जाए तो this is a known fact that there were differences, difference of opinion between the then Prime Minister and Sardar Vallabhbhai Patel regarding the action to be taken in context of Hyderabad. ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात है इस पर सन अक्टूबर 2012 में अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक पब्लिश हुआ, कुमार चेलप्पन ने लिखा. इसका जो टाइटल ही दिया, जो हेडर दिया कुमार चेलप्पन ने, वो हेडर उन्होंने लिखा कि रिवील्ड नेहरू वांटेड टू स्कटल सरदार हैदराबाद प्लान. अब यहाँ हैदराबाद प्लान को लेकर के जो मामला है उसमें यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो इंटरनेशनल प्रेशर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज निजाम हैज आल्सो मूव्ड टू द यूनाइटेड नेशंस, व्हेरेस सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको एक बड़ा नेसेसरी एक्शन मान रहे हैं जिसमें वो इंटरनेशनल प्रेशर की बहुत चिंता नहीं कर रहे हैं. ही सेज कि हम यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, अव्यवस्था के नाम पर और निजाम के द्वारा स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट के अगेंस्ट जाते हुए जो कार्रवाई की जा रही है उसके आधार पर वी ऑट टू हैव अ पुलिस एक्शन एंड आर्मी शुड मूव इन एंड इनटू हैदराबाद. यहां पर डिफरेंसेस हैं और एक मीटिंग की चर्चा, कैबिनेट मीटिंग की चर्चा इस अपने राइटअप में चिलप्पन कर रहे हैं जिसका बेस नायब की बुक है, वहां से उठा करके उन चीजों को कोट कर रहे हैं चिलप्पन. और वो यहां तक कहते हैं कि डिफरेंसेस इतने बढ़ गए इस मीटिंग में बिटवीन दीज टू इंपॉर्टेंट लीडर्स कि दो नाइदर चिलप्पन इज श्योर नाइदर आई एम श्योर बट ही हैज रिटन व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ दैट आफ्टर दैट यहां पर जो बहस हुई जिस तरीके की दैट वाज द लास्ट मीटिंग दैट सरदार वल्लभ भाई पटेल अटेंडेड बट ही वेंट अहेड विद हिज स्कूल ऑफ थॉट एंड ऑपरेशन पोलो टुक प्लेस. और पांच दिन की कार्यवाही में हैदराबाद का विलय हुआ.
So now this is a sort of a cost that Sardar Patel paid in those days. And after 213, a new narrative is being built up in context to Hyderabad, whereas the historical jo positioning hai, cheezon ki Hyderabad ke andar, wo bilkul hi different hai. जिस सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें कहा गया कि 27,000 से लेकर के और 40,000 के बीच में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग वहां पर मारे गए, तो पहली चीज मैंने ये कही, बहुत क्लियर कट कही कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं थी। दूसरी चीज, एक और मजेदार खबर निकल करके सितंबर सन 2013 में चेन्नई बेस्ड एक जर्नलिस्ट है सैयद अली मुश्तबा, उन्होंने तो यहां तक लिखा कि इंडियन आर्मी के जितने जवान थे वो सब हैदराबाद में लूटपाट और हत्याओं में शामिल थे। मतलब पूरी की पूरी भारत की सेना का प्रत्येक जवान जो हैदराबाद में गया था ऑपरेशन पोलो के लिए, 5 दिन के अंदर उसने पूरे हर जवान ने हैदराबाद को ठीक से लूटा। मतलब होल इंडियन आर्मी कम्स इज बीइंग प्रोजेक्टेड इन द बैक इन दिस बैक ग्राउंड। मुश्तबा साहब के पास कहां से ये डेटा आया, कहां से उनको ये एविडेंसेस मिले कि हर जवान पे उन्होंने आरोप लगा दिया, एक इस नैरेटिव को और आगे बढ़ाते हुए। खैर एनीहाउ, अंदाजा ये लगाइए कि कासिम राजवी में जिसकी बातचीत कर रहा था, कासिम राजवी के ऊपर गिरफ्तारी हुई उनकी और उनके ऊपर केस चला, बीबीपुर रेलवे स्टेशन केस, जिसके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, कोई भी इसको देख सकता है आर्काइव्स में जाकर के। और राजवी साहब को जब रिहा किया गया, इट वॉज इन 1957 इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के अंदर उनकी रिहाई के साथ एक शर्त रखी गई। सो बाय दैट टाइम सरदार पटेल वाज नॉट विद विद अस, और शर्त ये रखी गई कि आप इस देश को छोड़ देंगे तभी आपको रिहा किया जाएगा। नाउ दैट कनेक्ट्स द स्टोरी, आई अगेन रिटेरिएट कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसे बहुत कम ही शायद किससे होंगे भी तो मुझे नहीं पता, कि देश छोड़ेंगे तब रिहाई सशर्त मिलेगी। और देश छोड़ के राजवी साहब एक ही जगह जा सकते थे जहां उनको तुरंत शरण दे दी गई, दैट इज पाकिस्तान। देयर ही डाइड इन 1970। सो पर्सन जो कि इन रजाकार्स को लीड कर रहा था, उसकी रिहाई के साथ इस शर्त का लगना इस बात को बहुत और स्पष्ट करता है कि सरदार पटेल के पास जो जो खबरें थीं, जो जो उन्होंने निर्णय लिए, उनके अंदर कितनी गहराई थी और वो कितनी संजीदगी की बातें थी। हालांकि इन्होंने भारत छोड़ने के पहले ये हैदराबाद वापस गए राजवी साहब, और वहां जो बच्चे खुचे लोग थे कुछ एमआईएम के, उनको फिर से इकट्ठा किया। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन टू दोज डिटेल्स, वो एक अलग विषय वस्तु है। एनीहाउ, तो ये हैदराबाद का जो मामला जिस तरीके से ये सॉल्व किया गया या जिस तरीके से इसको ठीक किया गया, और 2013 के बाद से जिस तरीके का मैंने आपसे कहा कि नैरेटिव एक बिल्टअप होना शुरू हुआ, आवर यंग स्कॉलर शुड लुक इनटू द होल इशू एंड द होल मैटर इन एन अनबायस्ड फैशन, बिकॉज एज फार एज माय से द आइडिया ऑफ स्टडी गोज, इस प्लान बालकन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम या सबसे बड़ा इशू हैदराबाद बन करके निकलता। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अगर इस लेवल के डिसीजन से निर्णय को लेने का काम अगर ना किया होता, हिस्ट्री सजेस्ट कि क्या हो सकता था और क्या नहीं हो सकता था। कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ द टाइम, आई विल एंड माय दिस ब्रीफ टॉक विद अ कोट जो मैंने आपसे कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, और मैं कोट भी एक ऐसे हिस्टोरियन का उठा रहा हूँ चार्लाइन का, whom I trust because he never agreed to write that kind of a history which few say higher ups wanted him to do, he refused and he came up with his own unbiased history. I'm talking about Sardar Singh Majumdar. In his volume of freedom struggle, में वो चार बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी बेहतरीन लाइनें लिखते हैं, जिन लाइनों को के साथ बात का अंत करना मुझे लगता है कि आज 145वीं जो बर्थ एनिवर्सरी है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए एक बड़ी ही बेहतरीन इतिहास के संदर्भ में श्रद्धांजलि हो सकती है या उनका नमन हो सकता है, दोनों में से किसी भी शब्द का हम लोग प्रयोग करें। एंड आई कोट, द क्रेडिट फॉर दस एस्टैब्लिशिंग अ यूनाइटेड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर
in the new dominion of India must go principally to Sardar Patel. It was a great, though silent, revolution. Now I put it in the inverted comma. It was a great, though silent, revolution, which did not attract as much notice as it deserved. But this is the end line. Which did not attract as much notice as it deserved. So this is where the crux of the problem lies, that the issues pertaining to the integration of the Indian, integration of the princely states in the Indian Union, an area, say the occupancy area of 40% land area they were occupying, 23% of the populace is residing there. They are the best collaborators of the imperial government post 1857 to 1947. And the issues, very important issues like Hyderabad and Kashmir and Junagadh and few states from south also they cropped up, but we don't have time to discuss all those things. So this is where this leader of the soil stands so tall. And thankfully, we have now got something to cheer upon in the form of the Statue of Unity that has been recently built. Again, I extend my most humble thanks to the organizers for providing me an opportunity to interact at this illustrious platform. Aur main bahut kshama chahunga. मैंने कल ही रत्नम साहब से निवेदन किया था कि एट 12 आई वाज सपोज्ड टू जॉइन सम अदर प्रोग्राम, तो मैं आगे नहीं ठहरूंगा, इसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, लाभान्वित नहीं हो पाऊंगा अभी। आदरणीय प्रसार सिन्हा साहब को सुनने का मौका मिलता, मुझे प्रोफेसर गिरीश जी को सुनने का मौका मिलता, लेकिन आई एम अनफॉर्चुनेट टूडे विद दीज वर्ड्स। मैं आप सभी से को प्रणाम अपना निवेदित करता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सुधीर जी भी बहुत ही एमिनेंट स्कॉलर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। थैंक यू सो मच। दिस वी वर लिसनिंग टू वेरी एरुडाइट एंड स्कॉलर ऑन इंडियन हिस्ट्री, पर्टिकुलरली इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड सरदार पटेल जी एंड ऑल सच काइंड ऑफ इश्यूज, प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी जी, एंड ended with this our Statue of Unity, which is 2 times taller than the Statue of Liberty, 240 meters, which has got 50 meters its base and 182 meters its height, as well as we are paying our tribute to Sardar Vallabhbhai Patelji, on whose name there is an international airport in Ahmedabad, as well as the university named on him, Sardar Patel Vishwavidyalaya at Vallabh Vidyanagar in Gujarat. And very honorable on the Bharat Ratna awarded in 1991, Sardar Patelji. And I further in the program invite from the Gujarat only, our very respectable member of Indian Council of Philosophical Research, Professor T.H. Girish ji, former head of the Department of Philosophy, M.S. University of Baroda, Gujarat, Professor T.H. Girish ji. Namaskar, namaskar, pranam. Sinha sahab, Kumar ji, Sushim ji, and all other distinguished people whom I see and whom I don't see. वास्तव में मैं सरदार साहब, आप सब लोगों से मैं उनका निकट ज्यादा हूं, क्योंकि मेरा घर से 35 मिनट ही दूर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, चलिए आइएगा। सो लेट मी स्ट्रेट, सुशील जी कितना टाइम है मेरे पास? 10 to 15 minutes. ओके, आई विल स्ट्रेट गो इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ एनी नेशन एंड ऑल्सो the epistemology of the concept of unity. I will do philosophy. We have different unified nations, united on various basis, rather various criteria. We have some nations united on the basis of language, and we have some nations united on the basis of geography. And we also have some unfortunate nations united on the name of religion.
Now, when there is always a problem, when a nation is united on the basis of religion, whatever is the religious differences functioning and working within that given religion will also happen precipitating in that particular nation. See, whatever sectarianism we find in that religion will automatically reflect effect and will go into whether it is very evident or not so evident, internal conflicts in such a nation. So that is not our point. Let us now look at the unity of Bharat. What may be or what is the basis of the unity of Bharat? Let me outrightly say without wasting time, the basis of unity of Bharat is Bharatiya Sanskriti. At this point, I make a difference between, a distinction between Sanskriti and culture. Culture per se can be understood as refined human existence. But Sanskriti is more than that. It is more than that because it is refined human existence plus an inbuilt longing towards transcendental, towards the transcendental. So it is a refined human existence with a transcendental longing, or like what the phenomenologists or people might say in Europe, it is with the fundamental intentionality. They call it the sacred, but I'll call it as fundamental intentionality towards beyond. So let us see what is Bharatiya Sanskriti. We have a Vedopanishadic knowledge tradition. And from the Vedopanishadic knowledge tradition evolves Bharatiya Sanskriti or Sanskara. And on the basis of the Vedopanishadic knowledge tradition, the Bharatiya Sanskriti evolves, and built in Bharatiya Sanskriti develops the longing towards the ultimate, which is transcendental. And all Bharatiya Dharma are typically based on these things. So let me be ambitious enough to say that the only Sanskriti, let me not reduce the concept of Sanskriti by calling it as culture. We have to do it for want of another term in European categories. The only Sanskriti for mankind which is based on a knowledge tradition is Bharatiya Sanskriti. Now, it is the Bharatiya Sanskriti which develops an epistemology of coexistence. Now, let me spell out what is epistemology of coexistence in as minimum as possible as the Vedas do. The Vedas say so many things in minimum words. Let me try that. Let us think in terms of specificities and particulars. There are particulars, but there are particulars, many particulars. Let us say there are a particular languages in Bharat, many. Particular food habits in Bharat, many. And so many things, particular, many. Typical example is the Sanatana Dharma. In the Sanatana Dharma, we have many particulars, say 33 crores of deities, gods and goddesses in small g letters. So many crores of gods and goddesses, they exist, but they coexist. In the sense, see, in my house, I may be worshipping a given deity, and my wife may be worshipping an entirely different deity, but there is no conflict and contradiction. Please remember this concept of conflict and contradiction. We will come back to it possibly. So this is, look at the Sanatana Dharma. That is a typical example of coexistence of many particulars. That is where we understand the Bharatiya Acharyas had already understood the nature of nature as multiple and plural, and multiplicity and plurality, with many specificities, many particular specificities do coexist. Why do they coexist? Now you see, look at Marx, what he says. He would see
what may be the relationship between specificity 1 and specificity 2 and specificity n. Particularity 1 to particularity n. What may be the relationship between these specificities and particularities? Marx would immediately say that they are related through a relation of contradiction and conflict. He borrows the concept of contradiction from a simple method which Hegel has developed, which everyone knows, dialectics, where Hegel is trying to build up a ladder through his concept of dialectics to reach what is ultimate for him, which is the absolute. So Marx is borrowing that method and tries to make an epistemology out of it. So whatever is a particular and specificities necessarily in the perspective of Marxian theory is one that of conflict and contradiction. What is the position in case of the Veda Upanishadic epistemology? There are specificities. They are particulars. The relationship between them is one that of variety, variations of one ultimate reality. As a result, instead of developing a relation of contradiction and conflict, our ancestors developed a relation of coexistence. That is what I say, the epistemology of coexistence. So Bharatiya knowledge tradition gave us the practically epistemology of coexistence. So we coexist. So coexisting becomes naturally to Bharatiya Sanskriti. Where there is Bharatiya Sanskriti, it is coexistence. Now you see, somebody was using the word secularism. Let us say, let us not try to be secular because we are by definitions more than secular. The concept of secularism is very limited. I will say it's very narrow. It teaches you to accommodate or tolerate some other faith system. We live with other faith systems and we respect faith systems and accept the faith system, which is much, much more than the very reductionistic concept of secularism. I call it as a reductionistic concept, and let us not use these borrowed concept of secularism, which does not mean anything to us. We are much more than that, and we are much beyond it. So the coexistence is natural to Bharatiya knowledge tradition and Bharatiya epistemology, because the Bharatiya darshanas understood the nature of nature as multiple and plural and therein coexisting. Look at how we treat the nature. Look at this Upanishad Chandya Mantra. Chandya Mantra. Dauhya Shanti. Vanaspade Shanti. Apas Shanti. Andadesham Shanti. Etc. 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 So we coexist with the cosmos. Not only between individuals. Not only between village to village. We coexist with the cosmos, and we do coexist, and we can coexist with the cosmos. There may be how the concept of Vasudhaiva Kutumbakam. We are capable of doing it, and unfortunately, we are the only ones capable of doing it. We who are the inheritors of Bharatiya Sanskriti are the only people in the world who are capable of looking at the whole world as just one family. These Mahavakyas did not come out of nothing. So the unity of Bharat is based on a definite knowledge tradition, which is based on a definite epistemology, which is also based on a definite Sanskriti. I repeatedly say Sanskriti cannot be called as culture, because calling Sanskriti as culture amounts to being reductionist. You can't reduce the concept of Sanskriti to culture, because Sanskriti is much more than that. Many of us don't call us secular. We are beyond it. We are capable of accepting, not simply living with others, living with tolerate. Tolerance is a wrong concept, because normally what do we tolerate? We tolerate a nonsense. Why should you tolerate other faith system
because we are not treating it as a nonsense. You are tolerating, somebody is snoring, you have to tolerate the snore. You don't like it, but you tolerate it. That is not secularism, that should not be secularism. Secularism will be the epistemology of accepting whatever the other person believes. This is his problem. So long as it doesn't come and touch my nose, it should be of no problem to us. And that is what had been taught to us in ancient Bharatiya knowledge tradition. So the unity of Bharat is natural to Bharatiya Sanskriti. Let's see, going back to history, I'm afraid to speak of history because Kumar Ratnam ji is there and great historians are there. Let's go back to see how the, where do we look at the effort of an Acharya who started a unifying process. Go to South. Jagadguru, Acharya, Shankara Bhagavatpada. In his 31-32 years of living, he walked the entire length and breadth of Bharat and unified the nation philosophically, intellectually, and re-established the authority of Vedabhinishadic knowledge tradition. The Bau Dharmam is also a Vedabhinishadic knowledge tradition, but they have not connected themselves with the roots. So you re-established the authority, number one. Then number two, you see another person, Chhatrapati Shivaji Maharaj. He stood up. Bharat got automatically united. Then comes the person from my place, Sardar Vallabhbhai Patel. You just can't imagine the amount of respect Sardar Saab commands in Gujarat. Just can't imagine that kind of respect he commands. He unites Bharat politically. Then our present Prime Minister, I have to say, gives us strength to coexist. Gives us strength to coexist through his action, not words, through his action, through his living itself. So the unity of Bharat has to happen because it is based on a knowledge tradition. But this is, it's based on a Sanskriti, and that is what we are. It's, that's our nature. We are not united through language. We are not united through so-called religions. We are not united through our food habits and rituals and etc. As I gave you the example of Sanatana Dharma, we have multiple ritualism within Sanatana Dharma. Different people perform different rituals. But there is no contradiction. And look at the temples around. Just go around and look at the temple. You don't know who owns the temple, who runs the temple, what deity is. You feel like you just go in and look at it and then you will find, oh, this is such and such deity. And remember, philosophically, deities are not ultimate reality. Quoting Shankara's words or Shankara's instruction, the deities are like steps of ladder. Steps of ladders. Ladders. For one to climb up to what is ultimately real. What the Upanishad says. Ultimate reality. They don't even call it as he, she, it's impossible. They call it as it, that. And when it comes to Shankara Vedanta, it is unqualified. Why unqualified? Beyond being qualified. Nirguna, Nirakara, Nishpranjitya, Neti, Neti, etc. So these deities are not ultimate realities. And given Bharatiya concept of Kala concept, remember Mahakaleshwar, concept of Kala, Yugas, to Manvantaras, then all the deities get destroyed and recreated. That's a very, 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 very interesting and very logical way of expressing this. So, unity of Bharat is natural to us. And the first nimitta, the unity of Bharat with Acharya Shankaracharya. And the second nimitta, whom I see, is Chhatrapati Shivaji Maharaj. And third nimitta was the great Loh Purush of our nation, Sardar Vallabhbhai Patel. With that, I conclude my words. I will take my strength. Jai Shri Ram.
many thanks to Professor Girish Kumar ji, whom we were listening on the philosophy of national unity, and to whom we are very eager to listen, Professor Sudhir Kumar Singh ji. A little introduction to him. He is from Delhi University, and he is also a prominent member of many educational institutions, including member of NAC peer team, member executive council Goa University, and society member of Indian Institute of Mass Communication, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. Sudhir Kumar Singh ji अत्यंत विनम्र विद्वान और अपने विषय के व्याख्याता हैं, और आपका विविध विषयों को लेकर समसामयिक के साथ साथ सरकार एवं मानव अधिकार, इन समय विषयों पर आपके विचार महत्वपूर्ण विविध व्याख्यानों में और गोष्ठियों में हम लोग सतत सुनते रहते हैं। आपकी विविध पुस्तकें और आलेख हैं। मैं अधिक समय न लेते हुए प्रोफेसर सुधीर कुमार सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूंगा आपके उद्बोधन के लिए। सम्माननीय प्रोफेसर सुधीर सिंह जी, यू वेलकम। थैंक यू डॉक्टर दुबे, आई एम ऑडिबल डॉक्टर दुबे? जी जी, ग्रेट। हिंदी या अंग्रेजी जो भी आप चाहें बोलना पसंद करें बोल सकते हैं। जी 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 जी, फर्स्ट आउटसेट आई एम वेरी थैंकफुल टू आईसीएआर एंड आईसीएचआर टू हैव दिस काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट Iron Man of India, Sardar Patel ji. I am very thankful to the leadership of ICHR and ICPR for this kind of opportunity. Two people have already narrated about Sardar, so I have little. So within 10-11 minutes, I will finish. First of all, Sardar was a great unifier. He unified India, and if you will look into the annal of history. As Bismarck unified Germany and Italy was unified by Maginot, Cavour and Garibaldi. But the task of India was very, very tough, because from 912 till up to 1915, 935 years India was under this or that colonial under rule. And those colonial rulers were barbarian, and they weakened India so much by all counts. Be it spiritual, be it philosophical, be it economical, be it capital mode of production, every sphere of life, they weakened India in a massive way. So, and the history was that within India there was a kind of ambience that unity was not possible. Within that particular ambience, Sardar unified India in a very massive way. More than 500 Riyasat he had unified. That was not a simple task, more gigantic task, because of the prevailing diversity of India. We have 1600 languages, we have many cultures, we have many climatic zone. You know, just in 1950s era, we had many separatist movement in South India, in other parts of India, but Sardar successfully accommodated all those regional aspirations into the mainstreaming process of India. That is the great contribution of Sardar, where we are standing today. Sardar was very much critical of Nehru's policy on Tibet and Kashmir. Here it is very important to mention that Kashmir was very much part of India, because King of Kashmir, Raja Gulab Singh, inked a deal with India. He signed on the instrument of accession. But Pandit Nehru deliberately delayed the process, and that gave a kind of ample opportunity to Pakistan to invade, and that gave an opportunity to Pakistan to capture a tract of land to in Kashmir. Sardar Patel wrote a letter to Nehru also on Tibet. I must tell you that Tibet is not a small territory. It is 25 lakh square kilometer. And out of 10 trans-Asian rivers, 8 rivers originated from Tibet. Be it Brahmaputra, Salween, Mekong, Satluj, and many others. And even in the lean period,
Ganga flows from the Tibetan waters, which is coming through Nepal and other parts in Southeast Asia also. So Tibet has been a kind of India's brother since ages, since millennia. Nehru deliberately delayed it because Mao stated once that Tibet is the palm of China, and Ladakh, Nepal, Sikkim, and Arunachal is the finger. So it was already stated by Mao in 1940. Sardar wrote a letter to Nehru about Tibet on 7th November 1950. We are aware that Sardar died very soon, within a month after, just a month, 15 December 1950 he died. He wrote, I quote, China is no longer divided, it is united and strong. Recent and bitter history also tells us that communism is no shield against imperialism, and that the communism are as good as bad imperialists as any other. Chinese ambitions in the respect not only cover the Himalayan slopes on our side, but also include parts of Assam. Sardar continue, Chinese irredentism or imperialism are different from the expansionism or imperialism of the Western forces. The former has a lack of ideology which makes it 10 times more dangerous. I repeat, the former has a cloak of ideology which makes it 10 times more dangerous. In the guise of ideological expansion lie conceded radical national or historical claims. Unquote. So this is the letter which Nehru, which was written by Patel to Nehru, and after a few weeks Patel died, and Nehru, instead of acting on that particular letter, Nehru was joking that Sardar is a farmer leader, how he can think about foreign policy. So just imagine what is happening today is a kind of reflection what Sardar wrote in that particular letter to Nehru. If Nehru had acted, the things would have been different. There was no 1962 because we lost Tibet, and Nehru brought China 1100 kilometers northward, to and China became our border. From Ladakh to Arunachal, we have border with Tibet only. China is 1100 kilometers more northward. So Nehru, through that blunder Himalayan mistake, brought China to our border, and we are facing the consequences. So as I have stated, that there are many great works Sardar did. Sardar also, beside assimilation of Desi Riyasat, Sardar also was conscious about the new India. He was very much conscious for the All India Services, and he had been castigated as the father of All India Services. He once termed it as a steel frame. According to Patel, there is no alternative to this administrative system. The union will go, you will not have a united India if you do not have good All India Services, which has the independence to speak out its mind, which has sense of security, and you will stand by your work. If you do not adopt this course, then do not follow the present constitution. Substitute something else. These people are the instrument. Remove them, and I see nothing but a picture of chaos all over the country. So, these things are very, very important. Rajmohan Gandhi, which is very critic of nationalist narrative historian, he wrote in his book, India After Gandhi, that Nehru was focused on maintaining religious harmony, casting an independent foreign policy, and constructing a technological and industrial base, while Patel focused on getting the princely state to join the Indian Union, modernizing the administrative services, and constructing a cross-party consensus on the significant elements of the constitution. Here I would like to underline that Patel was very much instrumental for the formation of Indian constitution. He had given unprecedented contribution for the formulating part of the constitution. He had also given adequate attention towards the kind of vibrant democratic order within the Congress party.
If Sardar would not have intervened, Rajendra Prasad would not have been the first president of India, because Nehru was not in favor of him, rather he was favoring his proteges. So Sardar also intervened for the larger context of the democratization within the Communist Party, which pinned Nehru a lot, but Sardar never cared, because Sardar had a huge popularity and huge support even at that point of time Congress Party. Patel and Sardar had many differences. J.P.R. Tata, industrialist Maulana Azad, and many other people have opined that Patel would have been a better Prime Minister of India than Nehru. These Patel admirers and Nehru critics cite Nehru's belated embrace of Patel advice regarding the UN and Kashmir and implication of Goa by military action and Nehru's rejection of Patel advice on China. So, our beloved Prime Minister Narendra Modi ji also opines on the same line. So, we are considered as a soft state because of in the backdrop of 1962 war, we could not establish a line which Israel has demarcated for the attackers, that if you will attack in a bitter way, we will retaliate in a more bitter way. We must be very thankful to our Prime Minister Narendra Modi ji. Once Pakistan attacked in Pulwama in February 2019, India retaliated in a more bitter way in Balakot just days after that. How wing commander Abhinandan was released, it has been already been revealed in the Pakistani parliament two days before. The kind of nervousness which was prevailing within the Pakistani army at that point of time has also been revealed in the debate of the Pakistani parliament. So, Prime Minister Modi has adopted the security philosophy of Sardar Patel, that India should be a strong country, it should not be a very soft kind of country, it should be a strong country when security issues comes. You have to put a line that once you will attack on India, India will retaliate in a more forceful manner, and that Prime Minister Modi has done through Pulwama, and that has upgraded India's position at the international fora. So I also endorse the line that if Patel, Sardar Patel would have been the Prime Minister of India after independence, India would have been a better and a strong country. I will conclude that Patel was a great son of India. He sacrificed his entire life for the unity and integrity of the country. He did many transformative works for the nation building during his brief time in government after independence. Our next generations must take lessons from him to strengthen our beloved country. Thank you very much. Thank you so much. We were listening to Professor Sudhir Kumar Singh ji, a very erudite and informative session was given by him. He's from Delhi University. And for the next... before I go, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, आपके साथ खेड़ा संघर्ष 1918 का, आपके साथ आपके द्वारा किए गए बारडोली संघर्ष 1928 में गुजरात का, जिसके कारण आपको वहां के नेतृत्व में वहां की महिलाओं के द्वारा, वहां के जनमानस के द्वारा सरदार की उपाधि भी दी गई, और आज हम सबके प्रिय आज इनकी जयंती पर उपलब्ध हम सभी एक साथ समवेत रूप से यहाँ पर, साथ ही साथ भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में, इसके ब्रॉडकास्टिंग यूट्यूब चैनल पर देश के विविध क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी इस राष्ट्रीय एकता दिवस को मना रहे हैं, और इसके कार्यक्रम के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा जी को। आपके नेतृत्व में परिषद निरंतर ऐसे कार्यक्रमों को लाने के प्रति दृढ़ है और अग्रिम है, माननीय प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा जी। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार निवेदित करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग जिनको मैं नाम से जानता हूं
को आरंभ वरिष्ठतम प्रोफेसर गीता मेहता जी हैं, उन्होंने अपनी सहभागिता आज के इस कार्यक्रम में दर्ज कराई है। मैं उनको नमस्कार निवेदित करना चाहूंगा, उनको स्वागत करना चाहूंगा। और 6 महीना बाहर और 6 महीना इंडिया उनका प्रवास रहता है, इसलिए उनकी विद्वता का लाभ ICPR को कम मिला है। हम लोग चाहेंगे कि आगे मिलता रहे। और इस कार्यक्रम की प्रस्तावना हमारे ICPR और ICHR के संयुक्त सचिव मेंबर सेक्रेटरी कुमार रत्नम ने जब मुझे कल फोन किया, नॉर्मली इतनी जल्दी मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं होता, लेकिन चूंकि ICPR और ICHR दोनों का संयुक्त दोनों के संयुक्त तत्वावधान में यह जयंती मनाने की बात आई, तो मैंने बिना सोचे समझे मैंने हाँ कहा। और दूसरे एक भी कार्यक्रम थे, हमने कहा कि नहीं, पहले सबसे पहले हम अपने काउंसिल में जाएंगे। तो मैं रत्नम जी को, सुषिम दुबे, डॉक्टर सुषिम दुबे जी को और हमारे गवर्निंग बॉडी के माननीय सदस्य गिरीश जी, जिनसे अक्सर बातचीत होती रहती है, और इनका इनकी सहभागिता, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और सबसे ज्यादा आभारी तो हम लोग हिमांशु शेखर जी के हैं, जो उन्होंने कहा कि रत्नम जी का फरमान आया और वो हम लोग के बीच में आ गए। तो चलिए, ये बहुत उपलब्धि है कि हिमांशु जी अच्छे विद्वान है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में जाता रहा और दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे मित्र प्रोफेसर भट्ट साहब के भी मित्र हैं और पूरे काउंसिल के प्रति इनका 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 विचार है। काउंसिल के तरफ से कई कार्यक्रमों में सुधीर जी की सहभागिता रही और आपने देखा कि किस ओजस्विता से उन्होंने अपनी बात को रखा। तो मैं राजेश जी सबको समेकित रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा, ICPR के टीम को बधाई देना चाहूंगा और अध्यक्ष अध्यक्ष को अध्यक्षीय उद्बोधन में सारांश उपस्थित करना होता है, लेकिन मैं सारांश उपस्थित आपके समक्ष नहीं रखूंगा। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर फिलोसॉफिकल रूप में देखना चाहूं तो कहां पर वो ठीक बैठते हैं, व्हाट विल बी द हिज फिलोसॉफी। अक्सर हम देखते हैं कि सरदार पटेल और सरदार नेहरू में वैचारिक भिन्नता है। मैं उन सारी घटनाओं को आपके समक्ष नहीं रखना चाहूंगा, बल्कि उस वैचारिक पक्ष को रखना चाहूंगा संक्षेप में। नेहरू और पटेल, नेहरू और पटेल में जो अंतर है, नेहरू नेहरू समाजवाद की ओर अधिक झुकते दिखाई पड़ते, तो उनके उनका दर्शन, अगर हम समाज दर्शन को देखते हैं तो वो समाजवाद के पक्षधर रहे हैं। दूसरी तरफ पटेल, पटेल के क्रिटिक कहते रहे हैं कि माननीय
बहुत सारे क्रिटिक्स ने कहा कि पटेल की अभिरुचि जो कहा पूंजीवाद की तरफ, ऐसे ऐसे ऐसी प्रचलित मान्यताएं रही है। मैं इसको नहीं मानता। अगर पटेल के दर्शन को पटेल के दार्शनिक रूप में आकलन करते हैं तो यह बात सही है कि नेहरू के समाजवाद से उनकी सहमति नहीं थी, लेकिन महात्मा गांधी के वो करीब थे। गांधीयन सोशलिज्म, अगर कोई टर्म हम देते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें बहुत लोगों ने रख दी है, तो अगर पटेल की फिलॉसफी की बात करें तो हम उनको गांधीयन सोशलिज्म, जो गांधी का समाजवाद है, उसके निकट पाते हैं। और अगर पटेल के आलोचकों को ये जानना होगा कि पटेल वो पूंजीवादी किसी अर्थ में नहीं कहे जा सकते हैं। पटेल समाजवादी भी जिस अर्थ में कम्युनिस्ट या जिस अर्थ में नेहरू ने समाजवाद को समझा, पटेल ने उस अर्थ में नहीं समझा। तो उनका उनके दर्शन को अगर हम आज एक फ्री थिंकर की तरह आपके समक्ष ये चिंतन करना चाहूंगा कि पटेल सब्सक्राइब्स टू गांधीयन सोशलिज्म। अब ये अलग बात है कि गांधीयन सोशलिज्म की बात अगर करें तो बहुत सारी बातें लंबी हो जाएगी। और पुनः अगर देखते हैं तो वैल्यूज, वो कौन से वैल्यूज थे जो पटेल को प्रिय थे? गिरीश जी ने कहा कि सेकुलरिज्म इज ए वेरी डिस्पाइज्ड टर्मिनोलॉजी। ये बात सही है कि जो सूडो सेकुलरिज्म है, सूडो सेकुलरिज्म हम कहेंगे, वो बहुत ही इन मॉडर्न इंडिया सूडो सेकुलरिज्म इज ए डिस्पाइज टर्मिनोलॉजी। उसको कभी भी आज ही नहीं, बहुत पहले से ये सूडो सेकुलरिज्म, जो सेकुलरिज्म के नाम पर पक्षपात करते हैं, एक कम्युनिटी को, मेजॉरिटी कम्युनिटी को वो कंडेम करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के बहुत सारे, जैसे सोमनाथ मंदिर की बात किया, हमारे माननीय सुधीर जी ने भी किया, तो सोमनाथ मंदिर हम व्यक्तिगत रूप से, मुझे जाने का अवसर मिला, 3 दिन वहां रहने का अवसर मिला। अखिल भारतीय दर्शन परिषद का एक अधिवेशन सोमनाथ में हम लोगों ने किया था, संस्कृत विश्वविद्यालय उसके उस समय प्रोफेसर जानी वाइस चांसलर थे उनका, तो वहां मुझे सम्मानित भी किया था। तो वहां पर सोमनाथ मंदिर को हम देखते हैं तो हाँ, यहाँ सुधीर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लिए बिना ये पूरा प्रकरण, ये पूरी जयंती बहुत सार्थक नहीं बन पाती है, क्योंकि सरदार पटेल ने जब सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया और राजेंद्र प्रसाद जी को उद्घाटन के लिए वहां बुलाया तो नेहरू जी ने मना कर दिया था कि वहां जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी वहां गए। तो ये एक आप लोगों में किसी ने बताया कि राजेंद्र प्रसाद जी, सुधीर जी ने ही शायद कहा कि प्रेसिडेंट बने
तो उसके पीछे सरदार पटेल की दृढ़ शक्ति, राजेंद्र प्रसाद जी के नगरी से मैं आता हूँ बिहार पटना, और अवकाश प्राप्त करने राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ सदाकत आश्रम में थे, बहुत बुरी स्थिति में थे जहां वो रहते थे। अवकाश प्राप्त करने के बाद वो सीलन भरी भरी में जगह, वो दो कमरे का सदाकत आश्रम में उनको जो बींग ही वॉज प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, उनको अवकाश प्राप्त करने के बाद कोई रहने की जगह नहीं थी। और सदाकत आश्रम में उस सीलन भरे घर को जब हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से उस मकान में वो रहते थे। खैर, तो मैं कह रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में बाबा साहब अंबेडकर का अमूल्य योगदान है, लेकिन उससे कम योगदान सरदार पटेल का नहीं है। हमारे गिरीश जी ने भी इस बात को संकेत किया और भी लोगों ने इस बात को कहा, सुधीर जी ने भी कहा। तो ही इज ऑल्सो द मेकर, द बिल्डर ऑफ इंडिया, बट द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल का नाम यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स में नहीं लेंगे तो वो एक बात अलग है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम बहुत हाईलाइट हुआ और वह हाईलाइट होने योग्य भी, लेकिन इन लोगों के नाम को ये लोग भी उस कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में इनकी बहुत अहम भूमिका। अब सरदार पटेल वाज ए सेकुलर बट नॉट ए सूडो सेकुलर, वो सेकुलर उस अर्थ में नहीं थे जिस अर्थ में पश्चिम के, ठीक है अंग्रेज जी ने कहा कि ये वर्ड वहां से जरूर लिया गया है, उसका इतिहास भूगोल है, उसमें उसके अंतर्गत उस पर चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन सरदार हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात आप करते हैं तो नॉट ओनली ही यूनाइटेड इंडिया प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ जोड़ना, ये तो उनका रिमार्केबल अवदान रहा है। हैदराबाद का और जम्मू कश्मीर के सुधीर जी ने बताया कि किस तरह से नेहरू की गलत पॉलिसी के कारण बहुत दिनों तक हम लोग झेलते रहे। प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री ने, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत रिलीफ दिया है, ये बात सही है, और भारत को एक एकता के सूत्र में बांधने वाले पटेल की इस जन्मशती के अवसर पर मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। सारे प्रतिभागियों को, जिन लोगों ने इसमें अपनी सहभागिता दर्ज कराई, और ICPR की टीम को मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद, अत्यंत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा जी, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय एकता दिवस के इस कार्यक्रम में इस एकत्व की झलक हमारे समस्त प्रतिभागी जो कि केरल से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, गुजरात से, जम्मू कश्मीर से लेकर सुदूर उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड, बिहार और भारत के समस्त राज्यों और प्रांतों से इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के YouTube चैनल से जुड़े उन सभी का आभार और अभिनंदन। और मैं अंतिम क्रम में हमारे प्रोफेसर कुमार रत्नम जी, सदस्य सचिव ICPR ICHR, यदि वो कुछ अपनी बात कहना चाहेंगे तो
आमंत्रित हैं, निवेदन है अंतिम क्रम में। प्रोफेसर कुमार रत्नम जी अनम्यूट कर लें सर। धन्यवाद सुशीम जी, मैं तो बस जैसा सदैव कहता हूँ वैसा आप कहूंगा। प्रभु से, परमपिता परमेश्वर से मेरी विनती है कि मुझे प्रोफेसर सिन्हा जैसा मार्गदर्शन और आप जैसा अनुज प्राप्त हो जो सदैव किसी भी कार्य को पूर्ण निष्ठा लगन मनन विश्वास के साथ परिषद की संरचना और को बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। और मैं प्रमुख रूप से आज जितने भी अध्येता यहाँ पर जुड़े भाई हिमांशु जी, प्रोफेसर एस सिंह साहब ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर गिरीश जी एवं बहन गीता जी जो आज बहुत लंबे समय बाद मुझे देखने को मिली, और ऐसे सभी अध्येताओं के प्रति मैं दोनों ही परिषद के माननीय अध्यक्ष सदस्यों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेष रूप से मैं अपने माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर सिन्हा साहब का जो हमारे परिवार के मुखिया है सदैव मेरे प्रश्न रहता है उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ। क्योंकि एक अल्प समय में जिस तरीके से हम सर का उपयोग कर लेते हैं और सर हमें आशीर्वाद देने के लिए सारी प्राथमिकताओं को छोड़कर परिषद को देते हैं, मैं पुनः आपका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर कुमार रत्नम जी, धन्यवाद प्रोफेसर गिरीश जी, डॉक्टर राजेश जी, प्रोफेसर सुधीर सिंह जी और प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी जी, माननीय अध्यक्ष, परिषद के सदस्य, माननीय सदस्य एवं आप सभी राष्ट्रीय एकता के भाव को दृढ़ करने वाले इस कार्यक्रम में उपलब्ध डायरेक्ट गूगल मीट एवं यूट्यूब चैनल दोनों पर उपलब्ध देश के विविध भागों से भारतीय सांस्कृतिक गौरव, भारतीय विविधता में एकता और भारतीय एकता को दृढ़ करने वाले आप सभी के प्रति धन्यवाद। और अंतिम क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आप सभी को राष्ट्रगान के लिए, जिसके साथ हम इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे, और राष्ट्रगान के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। और माननीय अध्यक्ष जी से विनम्र अनुमति के साथ कार्यक्रम का समापन जी समापन कीजिए। हेमलता जी को भी नमस्कार और भी जितने लोग दिखाई पड़ते हैं सबको नमस्ते। पूनम पीयूष जी ब्रॉडकास्टिंग एंड इतने कम समय में आप लोगों ने आयोजित किया, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते।